फ्रेंड्स वेलकम टू ई डू एस सी एस योर एजुकेशन मैंटॉर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं स्टेट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वन बाई वन स्टार्ट हो रहे हैं सो so, फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट की जी फ्रेंड तेलंगाना तेलंगाना ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.knruhs.telangana.gov.in पर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था सो फ्रेंड हम उस बारे में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन किस बारे में सो फ्रेंड सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि तेलंगाना एक ओपन स्टेट है इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर प्राइवेट कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बट अभी जो फ्रेंड ये नोटिफिकेशन आया है ये हमारा आया है सिर्फ तेलंगाना के कैंडिडेट्स के लिए कॉम्पिनेंट अथॉरिटी कोटा कैंडिडेट्स के लिए जैसे हमारे अभी राजस्थान का रजिस्ट्रेशन हुआ था राजस्थान राजस्थान हमारा फर्स्ट राउंड में तो क्लोज रहता है बट वो सेकंड राउंड में ओपन हो जाता है राजस्थान में जो कैंडिडेट अगर अदर स्टेट के रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो सेकंड राउंड में करा सकते हैं ऐसे ही फ्रेंड हमारा तेलंगाना है ये फर्स्ट राउंड में क्लोज रहता है एंड सेकेंड राउंड में ये ओपन हो जाता है सो फ्रेंड आज ये जो नोटिफिकेशन आया है ये हमारा कॉम्पिनेंट अथॉरिटी कोटा मीन्स जो कर जो हमारे तेलंगाना के कैंडिडेट हैं उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं फॉर एम बी बी एस एंड बी डी एस रजिस्ट्रेशन आज आठ बजे से शुरू हो गए हैं एंड जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है हमारी इलेवंथ ऑफ जनवरी अप टू फाइव पी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विंडो फॉर एम बी कैंडिडेट्स के लिए इलेवंथ जनवरी तक ओपन रहेगा कैंडिडेट इलेवंथ जनवरी तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स आपकी जो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है वो आपकी ये वेबसाइट है एच डबल टी पी एस टी एस एम ई डी ए डी एम डॉट टी एस सी एच ई डॉट इन जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इस वेबसाइट पे जा कर के इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आपसे कुछ आपकी डिटेल्स मांगेगा लाइक योर मोबाइल एंड ई मेल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डाटा अपडेशन सर्टिफिकेट अपलोड एंड एप्लीकेशन प्रिंट नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन एंड प्रोस्पेक्टस फ्रेंड ये जो पाँच हैं आपके ये आपको फिल करते हुए वन बाय वन आप इसको फिल करते हुए चले जाएंगे एंड आपका तो ये प्रोस्पेक्टस आपको दे रखा है कि अगर आपको और भी ब्रीफ में जानना हो तो प्रस्पेक्ट्स को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और भी ब्रीफ में जान सकते हैं एंड फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि ये जो ही है हमारे स्टेट कोटा के कैंडिडेट के लिए ही ओपन हुआ है अभी फर्स्ट राउंड में स्टेट कोटा के जो कैंडिडेट हैं वही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सो so फ्रेंड अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होंगे सो so फ्रेंड हमारे जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे वो हमारे कैटेगरी वाइज हैं कि जो कैटेगरी जिसकी होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे सो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देखिएगा रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन फ़ी फॉर यू जी मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज़ द रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन फ़ी इज़ थर्टी फाइव हंड्रेड बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज एक्स्ट्रा फॉर ओ सी एंड बी सी कैंडिडेट एंड फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट इज़ रेट ट्वेंटी नाइन हंड्रेड बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस एक्स्ट्रा फ़ी शैल बी पेड ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी फ़ी पे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस की जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे वो हमारे ओ सी एंड बी कैटेगरी के थर्टी फाइव हंड्रेड होंगे एंड जो हमारी एस सी एस टी कैटेगरी होंगी उनके ट्वेंटी नाइन हंड्रेड रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे एंड नेक्स्ट वन इसके हमारा एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या होगा कौन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सो फ्रंट बड़ा बेसिक सा हमारा एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है <coughs> फ़र्स्ट आपने टेंथ और ट्वेल्थ आपने पास आउट होंथ ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास में आपके पास फ़िजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड अदर्स जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं लाइक जोलोलॉजी हो गया बायोटेक्नोलॉजी हो गया एंड इंग्लिश बट आपका पी भी मेन होता है कि आपके पास ट्वेल्थ में पी भी होना चाहिए एंड आपकी एज लिमिट जो होनी चाहिए अगर आप अव अव ऑफ सेवनटीन है सेवनटीन प्लस हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे सो फ्रेंड डॉक्यूमेंट ही हमें पूरा प्रोस्पेक्टस दिया गया है यहाँ पे। इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमको नीड होगी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होंगे सो फर्स्ट यूर नीट यू जी रैंक कार्ड आपको अपना नीट का रैंक कार्ड ये मैंडेट्री है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स आपको पी डी एफ फॉर्म में डाउनलोड करने हैं पी फॉर्म में और आपकी फाइव हंड्रेड की फाइल होनी चाहिए जो आप एक फाइल अपलोड करेंगे वो फाइव हंड्रेड होनी चाहिए आपका नीट का रैंक कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट ये भी मैंडेटरी है क्वालिफाइंग एग्जाम सर्टिफिकेट लाइक और इंटरमीडिएटेड मार्क्स मेमो और इक्यू ग्रेड सर्टिफिकेट तो आपका ये मैंडेटरी है तो फ्रेंड आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम लाइक आपकी टेंथ की मार्कशीट हो गई ट्वेल्थ की मार्कशीट हो गई इलेवंथ की मार्कशीट हो गई वो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम सिक्स टू टेन्थ ये फ्रेंड आपको सिक्स क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक के अपने सारे स्टडी के सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने होंगे इट्स मैंडेट्री एंड नेक्स्ट वन इज स्टडी सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट और इक्वेलेंट फॉर टू ईयर्स इफ़ मोर देन वन सर्टिफिकेट स्कैन ऑल इंटू अ सिंगल पी डी एफ फाइव आपके स्टडी के सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट और इक्वेलेंट फॉर टू ईयर आपको जो फ्रेंड ऑफ़ स्टडी के सर्टिफिकेट या आप बताया गया है कि अपलोड करेंगे वो आपको सिंगल पी में फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि जो आप अपलोड करेंगे वो आपको सिंगल पी में अपलोड करने हैं मर्ज करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे मैंडेटरी हैं इसके अलावा आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से जब हमारा स्कूल कंप्लीट हो जाता है उस टाइम हमें जो मिलता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इट्स इफ़ एप्लीकेबल विद योर फादर नेम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ये सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं उनके लिए है ई सर्टिफिकेट फॉर द ईयर न्यू आप ट्वेंटी 2021-2022 का क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यू एस कैटेगरीज इश्यूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेटेस्ट पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट आपके जो फैमिली इनकम होती है वो आपका पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो एन सी सी का सर्टिफिकेट इफ मोर देन वन सर्टिफिकेट स्कैन ऑल इंटू अ सिंगल पीडीएफ एनसीसी का जो सर्टिफिकेट होता है हमारा पीडब्ल्यू डी की तरफ जो हमारे एन वाले कैंडिडेट होते हैं उसका सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल सो फ्रेंड ये सारे डॉक्यूमेंट आपके एप्लीकेबल हैं अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अदरवाइज नहीं है तो आपको सिर्फ मैंडेटरी वाले करने हैं आपकी पीएमसी सर्टिफिकेट एंग्लो इंडियन सर्टिफिकेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट और इधर पेरेंट इशूड बाय एम सो फ्रेंड ये हो गया एंड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फॉर नॉन लोकल स्टेटस इफ़ एप्लीकेबल एंड आपका आधार कार्ड हो गया आधार कार्ड तो बेसिक है सबके पास होता ही है कैंडिडेट्स लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये आपका मैंडेट्री है एंड स्पेसीमैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपके पासपोर्ट सिग्नेचर ये दोनों मैंडेट्री हैं ये आपको पी में नहीं है आपको जे और जे इसमें कन्वर्ट करके आपको अपलोड करने और आपकी हंड्रेड केबी की इसमें फाइल होनी चाहिए सो so फ्रेंड ये तो हमारे हो गए कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कि तमिलनाडु में एमबीबीएस के लिए कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं सो फ्रेंड तमिलनाडु में एमबीबीएस के लिए ये प्रोस्पेक्टस आया है यहाँ पे इस प्रोस्पेक्पेक्टस को आप और भी ब्रीफली अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर विज़िट कीजिए वहाँ पर आपको ईजिली ये प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा सो so अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सो फ्रेंड लास्ट ईयर भी हमारे टेन ही गवर्नमेंट कॉलेजेस थे और इस ईयर भी कोई कॉलेज बड़ा नहीं है इस ईयर भी हमारे टेन ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ये लिस्ट ऑफ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना सो फ्रेंड ये देखिए हमारे टेन गवर्नमेंट कॉलेज हैं ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का जी मुशेराबाद का ककाटिया मेडिकल कॉलेज वारंगल का राजीव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आदिलाबाद का एंड जीएमसी जी निज़ामाबाद का जी हो गया हमारा महबूब नगर का ई मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का जी एम सी का जी एम सी एंड जी एम सी सो फ्रेंड इन सभी की हमारी सीट्स भी आ गई हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं सब कॉलेज़ में 250 फिफ्टी सीट ही अवेलेबल हैं ये जो हमारा राजीव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है इसमें 120 ट्वेंटी इस एंड हमारा जी एम सी निज़ामाबाद का इसमें वन ट्वेंटी हमारा जी एम सी ये महबूब नगर का इसमें वन सेवेंटी फ़ाइव एंड जी एम सी का इसमें वन सेवेंटी फाइव सो फ्रेंड इनकी जो ये हमारी इंटेक्स हैं टोटल इंटेक्स हमारी इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी टोटल इंटैक्सेज वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी एक सत्रह सौ चालीस एक हज़ार सात सौ चालीस हमारी टोटल सीट्स हैं गवर्नमेंट की एमबीबीएस की तेलंगाना में और फ्रेंड इनकी हमारी फ़ीस भी आ गई है कि जो फ़ी होगी वो फ़ी क्या क्या होगी सो फ्रेंड जो फ़ी होगी वो हमारी टेन थाउजेंड होगी लास्ट ईयर भी हमारी टेन थाउजेंड ही फ़ी थी हमारी जो फ़ी होगी वो टेन थाउजेंड होगी सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की एंड ये देखिए यहाँ पे बता रखा है ट्यूशन फ़ीस विल बी एज नोटिफाई फॉर द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड डिस्कॉन्टीन्यूशन ऑफ़ फ़ी कैंडिडेट कैन नॉट डिसकॉन्टिन्यू फ्रॉम द कोर्स आफ्टर नोटिफाइड कट ऑफ डेट फॉर दिस डिसकटिन्युएशन और लेटर कैंडिडेट विल एवर सबमिट अ बॉन्ड फॉर द सेम कैंडिडेट शॉल पे बॉन्ड अमाउंट रेन थ्री लैख रुपीज़ थ्री लैख इफ़ दे डिसकन्टिन्यू द कोर्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ फ्री एग्जिट आप जब एडमिशन के टाइम पे जाएंगे फ्रेंड आपका आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको जब वहाँ पे एडमिशन के लिए आप जाएंगे तब आपको थ्री लैख का बॉन्ड का सर्टिफिकेट बनवा के देना होगा कि अदरवाइज अगर आप किसी कारणवश अपनी सीट वहाँ पर छोड़ देते हैं तो आपको ये अमाउंट वहाँ पर देना पड़ेगा ताकि उनके पास प्रूफ रहे आपके लिए कि आपने ये अपने थ्री लाख का सर्टिफिकेट हमको बना के दिया अगर आप छोड़ उस सीट को छोड़ देते हैं तो उसमें उनकी कोई भी गारंटी नहीं होगी अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज़ हैं इनका लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था सो so, फ्रेंड इनका जो हमारा लास्ट ईयर कट ऑफ था गवर्नमेंट कॉलेज का ओवरऑल कट ऑफ जो गया था हमारा वो ओवरऑल कट ऑफ गया था हमारा जनरल गवर्नमेंट 537, 537 हमारा कट ऑफ था एंड हमारी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो सत्तावन नेक्स्ट वन इज़ ई डब्ल्यू एस जर्नल इसका हमारा 518 एटीन कट ऑफ गया था सेवेंटी टू ऑल इंडिया रैंक गई थी नेक्स्ट वन इज़ वी सी ई जर्नल इसका हमारा फाइव हंड्रेड टू कट ऑफ गया था लास्ट ईयर का एंड जो हमारी गई थी वो 84,877 ऑल इंडिया रैंक थी बी सी डी जर्नल का 570 कट ऑफ था एंड ऑल इंडिया रैंक इज सेवेंटी टू थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी वन बी सी सी हमारा जर्नल जो था इसकी फोर सिक्सटी गई थी हमारी कट ऑफ लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक गया था वो वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड वन हंड्रेड फिफ्टी टू गया था सो so, फ्रेंड सभी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो अलग अलग गया था बी सी बी जन ऑब्वियसली अलग ही अलग जाता है कट ऑफ हमारा जो बी सी बी जर्नल का गया था वो फाइव नाइन्टीन एंड ऑल इंडिया रैंक जो हमारी गई थी लास्ट ईयर वो गई थी वन थाउजेंड एंड फिफ्टी फोर बी सी ए का गया था हमारा कट ऑफ फोर फिफ्टी एट एंड इसकी जो लास्ट ईयर हमारी ऑल इंडिया रैंक गई थी वो गई थी वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स एस जर्नल का हमारा कट ऑफ गया था फोर हंड्रेड सेवन एंड हमारी जो ऑल इंडिया रैंक गई थी वो गई थी वन लैख थर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइनटीन एस टी जर्नल का हमारा लास्ट ईयर गया था फोर सेवेंटी नाइन एंड जो ऑल इंडिया रैंक गई थी वो हमारी गई थी वन लाख एंड फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी फोर नेक्स्ट वन इज़ पी डब्ल्यू डी कैटेगरी सो फ्रेंड इनका हमारा लास्ट ईयर गया था वन सिक्सटी नाइन एंड जो ऑल इंडिया रैंक गई थी वो गई थी सिक्स लैख टेन थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी सिक्स अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कोटा की मैनेजमेंट और एन आर आई कोटा की जो मैनेजमेंट कोटा की लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो थ्री फोर्टी थ्री थी एंड जो लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक गया था वो टू लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड एंड थ्री हंड्रेड थर्टी टू एन आर आई का हमारा 153 गया था लास्ट ईयर कट ऑफ एंड ऑल इंडिया रैंक सिक्स लैख फोर हंड्रेड एटी फाइव एंड जो हमारा ओपन जनरल प्राइवेट होता है उसकी कैटेगरी का हमारा फोर सेवन गया था लास्ट ईयर कट ऑफ एंड एटी नाइन थाउजेंड एंड हमारी रैंक गई थी ऑल इंडिया माइनॉरिटी का हमारा फ्रेंड 199 गया था कट ऑफ एंड फाइव लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थ्री हमारी ऑल इंडिया रैंक लास्ट हमारी है सी ए पी इसका हमारा वन एटी गया था कट ऑफ एंड फाइव लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड एंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी वन गया था इसका ऑल इंडिया रैंक सो फ्रेंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं तेलंगाना के आप 11th ऑफ जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन रहेगा सो तेलंगाना स्टेट के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड फ्रेंड अभी तो सिर्फ यही नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि कि हमारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है रजिस्ट्रेशन के बाद का जो भी प्रोसेस होता है लाइक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया चॉइस फिलिंग हो गया उसका अभी कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है अगर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा तो आपको ई डू के वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नीट यू जी ट्वेंटी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़